दोस्तों आज का हमारा ये जो वीडियो बनेगा वो लाइटिंग के ऊपर बनेगा, और हमको सबको मालूम है कि लाइटिंग एक कितना इम्पोर्टेंट है सीन में। जब शूटिंग शूट करोगे तो शूटिंग में सबसे पहले आपको लाइटिंग को मालूम होना चाहिए, किस सीन में किस लाइटिंग को देना। जैसे एक हॉरर का सीन है तो लाइटिंग कैसे दी जाए, तो एक जैसे कहीं पे थोड़ा भागने का सीन है तो वहाँ पे लाइटिंग कैसे दिया जाए। तो लाइटिंग एक डिफरेंट तरह का कला है, ये भी एक आर्ट है। अगर इस आर्ट को आ गए ना तो आपको जो सीन लोगे, जो शॉट लोगे, उस शॉट को ना बहुत इंटरेस्टेड दिखा सकते हो। तो इस टॉपिक पे हम लोग लाइटिंग की बात करेंगे। बिना लाइटिंग आप कुछ नहीं कर सकते, बिना लाइटिंग एक सीन को प्रेजेंट अच्छी तरह से नहीं होगा। तो इसीलिए आपको लाइटिंग की मदद से आप प्रॉपर उस शॉट को दिखा पाओगे, ठीक है ना। तो आ जाते हैं हम लोग लाइटिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट टाइप की लाइटिंग। तो फर्स्ट सबसे पहले की लाइटिंग को बात करते हैं। की लाइटिंग जो फर्स्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जनरली मैं आपको एक बात बता दूँ, की लाइटिंग, फील्ड लाइटिंग, बैक लाइटिंग, ये तीन लाइटिंग ना थ्री पॉइंट लाइटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो की लाइटिंग को फर्स्ट पॉइंट लाइट बोला, फील्ड लाइटिंग को सेकेंड पॉइंट, और बैक लाइटिंग थर्ड पॉइंट, ये बात याद रखना। और की लाइटिंग जनरली जो फर्स्ट में प्राइमरली जो प्रोवाइड होगा ना उसको की लाइटिंग बोलते हैं, और ये ड्रामेटिक मूड देता है, अच्छी तरह से अच्छा देता है। और फील्ड लाइटिंग क्या होता है, फील्ड लाइटिंग जस्ट ऑपोजिट टू द की लाइटिंग के, बिहाइंड द की लाइटिंग, इसका ऑपोजिट में रहता है, ठीक है ना। जैसे इधर एक साइड में ये रहेगा तो दूसरी साइड में कि फील्ड लाइटिंग रहेगा। फील्ड लाइटिंग बीन ये जनरली क्या रहता है, फर्स्ट ये जो लाइटिंग दिया इस लाइटिंग से थोड़ा शैडो वैडो बचता है, थोड़ा फ्लैट दिखाता है। तो ये लाइटिंग जब प्रोवाइड करेंगे ना आपको शैडो नहीं दिखने मिलेगा, फ्लैट भी उतना नहीं दिखना पड़ेगा, और ये अच्छा दिखाएगा, लुक भी अच्छा दिखाएगा। तो बैक लाइटिंग जनरली क्या रहते हैं, जो बैक लाइटिंग जनरली थ्री पॉइंट लाइटिंग का एक पॉइंट है, थर्ड पॉइंट लाइटिंग है, और ये बैक लाइटिंग जैसे एक्टर का बिहाइंड पे ये पीछे रह जाते हैं, ये लाइट ना, तो पीछे क्या दिखेगा, अच्छा दिखेगा, बैकग्राउंड अच्छा दिखेगा, और एक एक्टर को लुक अच्छा देगा, बैकग्राउंड भी लुक अच्छा देगा, और उसको शेप और डेप्थ जो लेगा, फोकस लेगा, वो अच्छा मिलेगा उसको। तो ठीक है, बैक लाइटिंग एक अच्छा थ्री डायमेंशन दिखाने के लिए भी बहुत अच्छा यूज होता है बैक लाइटिंग। और इसका मैंने फिगर आपको दिखाया कि इसको कैसे प्लेस किया जाता है। देखो यहाँ पर फर्स्ट लाइटिंग मैंने आपको बताया, फर्स्ट लाइटिंग क्या है, ये फील्ड लाइटिंग इसको जैसे मानो ये फर्स्ट लाइटिंग मैंने लिया तो यहाँ पे तो अच्छा दिखता पर इसका बैक और ये इधर थोड़ा शैडो बन जाता, तो इसीलिए इसको इस शैडो को हटाने के लिए इधर देखो यहाँ पे मैंने लगाया, इतना तो अच्छा दिखता पर यहाँ पे शैडो हो जाता, तो इसीलिए इस शैडो हटाने के लिए मैंने फील्ड लाइटिंग यूज़ किया। तो अगर यहाँ पे होगा तो इधर तो शैडो होगा ना, तो इसीलिए इसको भी हटाने के लिए क्या बैक लाइटिंग। अब बैक लाइटिंग हो गया तो पूरा फुल इसको अच्छा मिल गया, अब इस कैमरा को डेप्थ लेने के लिए शूट करने के लिए बहुत अच्छा मिला, तो इसीलिए इस बैक लाइटिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइड लाइटिंग, और इसको चौरसियस लाइटिंग भी बोलते हैं। और ये साइड लाइटिंग क्या है ना, साइड लाइटिंग एक साइड से प्रेजेंट करते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे बोला साइड लाइटिंग इज अ लाइटिंग दैट हिट टू द सब्जेक्ट इन फ्रॉम वन साइड, ओके। तो साइड लाइटिंग क्या है ना, एक सब्जेक्ट एक एक्टर को एक तरफ से हिट करेगा, जैसे एक साइड तरफ से हिट करेगा, तो उसको हम लोग जनरली इसको यूज करते हैं ड्रामेटिक मूड देने के लिए, ड्रामेटिक मूड देने के लिए। और इसका क्या है ना, ये एक अच्छा फीलिंग, एक अच्छा फील भी कराता है, जब से जैसे हम लोग साइड लाइटिंग में शूट करेंगे तो हम लोग को एक ड्रामेटिक फील वाला एक अचीवमेंट होगा उससे, है ना। तो मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि एक डेप्थ लोकेशन करने के लिए भी हम लोग साइड लाइटिंग यूज करते हैं, तो इसको मैं आपको फिगर आउट करके दिखाता हूँ। तो ये होगा साइड लाइटिंग, ये जनरली प्रेजेंट किया है कि साइड लाइटिंग का। तो देखो यहाँ पे साइड लाइटिंग क्या है ना, लाइटिंग तो है तो ये लाइटिंग क्या यहाँ पे दिखा रखा है, जैसे एक्टर को साइड से हम लोग जो लाइटिंग प्रेजेंट करके उसको शूट करेंगे ना, तो एक थोड़ा एक ड्रामेटिक मोड रहता है, तो इसीलिए एक साइड लाइटिंग का ये रहता है। जैसे भी कहीं पे एक्टर को सब साइड लाइटिंग देते हैं तो एक्टर को जो फेमस एक्टर है उसको पहचान जाते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो इधर पूरा ब्लैक है तो साइड से दिया है, अगर किसी एक्टर को जो फेमस एक्टर है तो साइड लाइटिंग देंगे इतना ये डार्क रहेगा, तो इधर से हाफ भी देखेंगे ना उसको एकदम क्या लगेगा, ड्रामेटिक, ये कौन है, क्या है, कौन है, ऐसा लगेगा।
तो लुक एक अच्छा आएगा, एक अच्छा फीलिंग इंटेंसिव देगा और उसको लगेगा बड़ा मजा आएगा देखने ऑडियंस को। तो ये है साइड लाइटिंग का काम होता है, साइड में लाइट देंगे और एक शूट करेंगे। ये साइड लाइटिंग का एक इफेक्ट होता है सीन को हाइडिंग करने के लिए, एक सस्पेंस दिखाने के लिए, तो एक ड्रामेटिक दिखाने के लिए साइड लाइटिंग का यूज होता है। तो ये साइड लाइटिंग हुआ, तो हम जो चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल लाइट। और प्रैक्टिकल लाइट भी इतना इम्पोर्टेंट लाइट है कि एक शूट में, एक सीन में दिखाने के, सीन लेने के लिए प्रैक्टिकल लाइट जनरली क्या है, प्रैक्टिकल लाइट ऐसे समझ लो कि जब वो लाइट सीन में दिखने वाला है ना, उसको प्रैक्टिकल लाइट बोलते हैं। जैसे एक कैंडल है, कैंडल को लाइट से शूटिंग कर रहे हैं तो एक प्रैक्टिकल लाइट हुआ। हाँ, जैसे कोई मेनबत्ती, कोई कुछ भी लाइट है, कुछ लालटीन है, अच्छा कोई इलेक्ट्रिकल का कोई लाइट है, उसको सीन पे दिख रहा है शूटिंग के बाद में, जब शूटिंग कर रहे हैं ना तब सीन में दिख रहा है, उस लाइट को भी हम लोग प्रैक्टिकल लाइट बोलते हैं। प्रैक्टिकल लाइट को एक्टर को शूटिंग करे तो उसको, जैसे एक लैम्प लेके एक आर्टिस्ट तो उसमें शूट में दिखा रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइट बोलते हैं। जैसे मैं आपको फिगर आउट दिखाऊं, देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है तो प्रैक्टिकल लाइट का सोर्स है, यहाँ पे पूरा खा रहे हैं और ये सीन में दिख रहा है। इस लाइट के मदद से ये लोग सीन कर रहे हैं और इस शूट कर रहे हैं, तो इसको प्रैक्टिकल लाइट हुआ। जैसे ये लाइट हुआ, जैसे यहाँ पे पूरा कैंडल है, देखो यहाँ पे लाइटिंग कलर दिखाने के लिए भी इस लाइटिंग का यूज होता है, तो बहुत अट्रैक्शन लग रहा है। तो यहाँ पे पूरा कैंडल है, तो यहाँ पे कैंडल की मदद से सूट सीन ले रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। इसको प्रैक्टिकल लाइट बोलते हैं, जो सीन में भी प्रेजेंट है और लुक भी अच्छा दिखाता है। और यहाँ भी है, जैसे ये लाइट हुआ जो यहाँ पे सीन में दिख रहा है, इस लाइट की मदद से जो शूटिंग कर रहे हैं, जो ऑलरेडी सीन में भी प्रेजेंट है, और जिस लाइट से मदद से हम लोग लुक अच्छा निकलता है, तो उसको प्रैक्टिकल लाइट बोलते हैं। प्रैक्टिकल इतना समझो, जो जिस लाइट के मदद से हम लोग शूटिंग सीन शूट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग ऑलरेडी सीन में भी प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट में दिख रहा है बैकग्राउंड में, या नहीं तो आगे कोई व्यक्ति, सपोज मानो कि एक लेडी, इसमें एक लाइट और वहीं पे लाइट नहीं है, इसकी लाइट की मदद से ये शूटिंग सेट में शूट कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी सीन में भी प्रेजेंट है, तो इसको प्रैक्टिकल लाइट है। प्रैक्टिकल लाइट बोलते हैं, जैसे गुफा में जहाँ पे कहाँ पे गए पे गुफा है तो हम उसके अंदर जाना है तो एक आग लेके जाते हैं ना, तो उसको भी एक प्रैक्टिकल लाइट बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल लाइट ये हो गया, हम लोग जाते हैं।